morning. It's standard 4, workbook part 3, chapter 9, house and quarter. अभी हमने टेक्स्ट बुक में कर लिया था, अभी हम वर्कबुक में करेंगे. क्वेश्चन 1 है, पुट राइट इन द बॉक्स गिवन बिलो द फिगर विच शो इक्वल पार्ट. जिसके इक्वल पार्ट है उसमें राइट करना है और जिसमें इक्वल नहीं है उसमें कुछ नहीं करना है. समझ में आया? तो सबसे पहला जो है, तो इसमें ये इक्वल है नहीं है? इक्वल इक्वल है ना? तो इसमें आएगा राइट. फिर इसमें सेकंड में ये पार्ट इक्वल है नो, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, नहीं तो रॉन्ग करते जाओ तो समझ में आएगा. फिर थर्ड, नहीं आपका ये वर्कबुक में ड्रॉ किया हुआ ही है, आपको सिर्फ राइट और रॉन्ग ही करना है. ये तो आप लोग वर्कबुक नहीं लाए हो इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. समझ में आया? चलो फिर सेकंड, दोनों सर्कल है, इसमें एक इधर है और एक इधर, इन दोनों में से कौन सा पार्ट इक्वल है? पहला वाला है, तो यहाँ आएगा राइट. नोटबुक में सिर्फ राइट और रॉन्ग लिख देना. ओके, कौन सा आएगा? सेकेंड. फिफ्थ में फर्स्ट आएगा, तो यहाँ राइट. और सिक्स, ये सारी साइड इक्वल इक्वल है. उसके बाद क्वेश्चन 2, ये राइट रॉन्ग तो साथ में करते जा रहे हो ना? नोटबुक में सिर्फ राइट रॉन्ग कर दो तो वर्कबुक में जाके लिख सकोगे. क्वेश्चन 2, स्टेट विच फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. अभी जो फिगर्स हमें ड्रॉ किए हुए हैं उसमें से हमें फ्रैक्शन लिखना है. बी ये कर दो मान लो.
चलो अभी ध्यान इधर, अभी यहाँ फोर बॉक्सेस में थ्री पार्ट क्या है, दाल है, तो यहाँ क्या आएगा, वन बाय थ्री। अभी यहाँ थ्री बाय थ्री बाय वन, यहाँ क्या आएगा, वन बाय थ्री, थ्री बाय वन, फोर बाय फोर, फोर बाय फोर, फोर बाय, एक मिनट, यहाँ क्या आएगा, थ्री बाय फोर, और यहाँ थ्री बाय फोर, वन बाय फोर, और यहाँ फोर बाय फोर, यहाँ टू बाय फोर, यहाँ वन बाय टू, और यहाँ टू बाय फोर। समझ में आया, जितने बॉक्सेस है उतना नीचे आएगा। चलो अभी क्वेश्चन थ्री, जो नहीं लाए बुक वो नोटबुक में लिखो। अभी डू एज पर इंस्ट्रक्शन, अभी इसमें आपको कुछ भी लाइन ड्रॉ करनी है वन हाफ टू पार्ट में, तो ये आपको होमवर्क में करना है। जैसे कि यहाँ है तो एक पार्ट में कुछ भी ऐसे डिजाइन या कुछ भी कर सकते हो या कलर कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन थ्री होमवर्क में, समझ में आ रहा है ना। उसमें देखो फर्स्ट में वन पार्ट करना है, सेकंड में टू पार्ट्स करना है। जैसे कि फोर पार्ट दिए गए हैं तो उसमें से आपको टू पार्ट्स कलर करने हैं या फिर डिजाइन करनी है। अंडरस्टैंड? फिर थर्ड में वन पार्ट करना है, फोर पार्ट में से वन पार्ट, ये सारा होमवर्क में है। तीन तीन है सारे फिगर, फिर फोर्थ में थ्री पार्ट है, तो ये तीनों पार्ट को आपको कलर करना है। और क्वेश्चन फोर में भी हाफ पार्ट कलर करना है, अलग अलग फाइव डिफरेंस वे में। क्वेश्चन फाइव भी कलर वाला है, तो क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर एंड क्वेश्चन फाइव होमवर्क में। ओके, क्वेश्चन सिक्स भी कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप शोन हियर। मैंने कब का बोल रहा है, हाँ हाँ ऐसे बोल रहा है। क्वेश्चन सिक्स में भी कलर ही करने हैं, वन कलर करना है, टू नहीं करना है, ऐसे छोड़ के करना है। ये इसमें सर्कल और फ्लावर है ना उसमें। ओके, क्वेश्चन सेवन भी कलर वाला ही है, वन हाफ फोर, मतलब फोर में से आपको कोई भी एक कलर में कलर करना है। क्वेश्चन एट में डिवाइड्स, मतलब बीच में करना है। क्वेश्चन एट अभी ये स्टार को हाफ डिवाइड कैसे करोगे?
यहाँ से आए। समझ में आया? उसके बाद है स्क्वायर, स्क्वायर बॉक्स है, कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन 9 है, हाफ ड्रॉ किया हुआ है, हाफ कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 9, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द पिक्चर। ऐसा हमें दिया गया है तो हमें यहाँ आधा कंप्लीट करना है। समझ में आया?
ये क्या बनेगा?
water. Okay.
तो 1/2 लीटर एंड 3/4 लीटर है। क्वेश्चन 13, रिप्रेजेंट 1/2 and 1/4 एंड 3/4 पार्ट ऑफ 20 सेमी स्केल गिवन बिलो। तो कहाँ कहाँ करना पड़ेगा? अभी 20 का पूरा स्केल है, तो 20 में 1/4 कहाँ आएगा? यहाँ 5 पे आएगा ना, 1/4। और हाफ कहाँ होगा इसका? 20 का हाफ 10 पे, 1/2। और 3/4 कहाँ होगा? 15 पे होगा। समझ में आया? क्वेश्चन 13 का भी अभी 1 मीटर पर इक्वल 100 सेंटीमीटर है। नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है। यह वहां से बॉटल में है ना पानी, उतना उतना करना है, हाफ करना है और 3/4 करना है। वो पेंसिल से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन 13 का भी बता रही हूँ। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। ओके, तो अभी 1/2 कितना होगा? 150 सेमी होगा। एंड 1/4 मीटर यानी कितना होगा? 40 होगा, 25 सेमी। एंड 3/4 कितना होगा? 75 मल्टीप्लाई 3 तो कितना होगा? 75। तो हाफ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड 1/4 यानी 25 सेमी एंड 3/4 यानी 75। अभी नीचे 14 क्वेश्चन 14 है, वहां 2 kg के इक्वल टू कैसे लिखना है वो है। 1 kg का हमें दिया है, 500 ग्राम का दिया है, लेकिन 2 kg का नहीं दिया है। तो 2 kg इक्वल टू 2 kg कैसे करना है? 1 kg 1 kg दो बार। समझ में आया?
चलो बाकी का पेज नंबर 128 से कल करेंगे।